वहीं इसी बीच बड़ी खबर पर नजर डाल देते हैं, जहां पर सीएम योगी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई। सीएम की अध्यक्षता में लोक भवन में ये बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। दोपहर करीब 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है और सीएम की अध्यक्षता में लोक भवन में ये बैठक की जाएगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। दोपहर करीब 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर सीएम योगी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक बुलाई गई है और दोपहर करीब 12:30 बजे ये बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है, तो कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है। योगी कैबिनेट की बैठक जो है वो आज बुलाई गई है। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। बता दें दोपहर करीब 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है और कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कई अहम फैसलों पर आज कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। क्या कुछ वो फैसले हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। वहीं सीएम योगी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस बैठक को लेकर आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर आज करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाई है और इस हालांकि इस कैबिनेट बैठक तो लगातार होती रहती है, बाई सर्कुलेशन कई सारे कैबिनेट प्रस्ताव जो है वो पास होते रहते हैं, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक मुख्य उद्देश्य ये है कि कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी जो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब इस मंत्रिपरिषद की बैठक में किस तरह से की बातचीत हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद यहाँ पर सभी एक साथ सभी मंत्रियों के साथ बैठने का ये पहला दौर है जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बुलाया है। अब शायद 2022 के चुनाव को लेकर के, तैयारियों को लेकर के हो सकता है, या अगले कैबिनेट विस्तार को लेकर के हो सकता है, या तमाम ऐसे जो अविश्वास था उस विश्वास को लेकर के यहाँ पर ये पूरी बैठक को माना जा रहा है। और पूरी बैठक का उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं एक सरकार और मंत्रियों के बीच का जो समन्वय है वो ठीक से हो, वो बेहतर हो, शायद इन सब विषयों को लेकर के पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन मुख्य रूप से सबसे पहले कैबिनेट बैठक होनी है और कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक, जो की काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल विजय, देखिए कहा ये भी जा रहा है कि कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है कैबिनेट बैठक में। क्या कुछ वो फैसले हो सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पर कई सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जिसको लेकर के आज अंतिम मोहर लग सकती है। कोरोना काल में यहाँ पर बच्चे जो जिस तरह से अनाथ हुए थे उनको लेकर के सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा आगरा एक्सप्रेस वे के अलावा सरकार की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार के जरिए से हाल ही में वैक्सीनेशन को लेकर के और तमाम दवाओं को लेकर के जिस तरह के हालात रहे हैं, बच्चों के थर्ड वेव कोरोना को लेकर के जो तैयारियां हैं, उन सब विषयों से जुड़े हुए बजट और यहां पर कैबिनेट प्रस्ताव यहां पर रखे जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और भी कई सारे प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट में पास किए जा सकते हैं। बिल्कुल विजय, देखिए सीएम के दिल्ली दौरे के बाद ये पहला कैबिनेट बैठक है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, जो जगह खाली रह गई थी और मंत्रिमंडल में विस्तार करने को लेकर भी चर्चा की जा रही थी, तो क्या इस पर भी आज बैठक में चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, इस विषय को कैबिनेट में तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मंत्रिपरिषद में चर्चा का विषय जरूर बताया जा सकता है कि जो खाली हुई जगह है उनको किस तरह से भरा जाए, और बाकी और भी जो लोग हैं उनके साथ एक समन्वय या फिर एक जो नाराजगी कही जा सकती है उसको दूर करने का प्रयास भी हो सकता है। अब ये किस तरह से इस पूरे विषय को लेकर के पूरी बातचीत होनी है वो मंत्रिपरिषद की बैठक में होनी है, लेकिन जाहिर है कि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कही जा रही है क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद ये बैठक मंत्रिपरिषद कैबिनेट के बाद पूरी बुलाई गई है। सभी मंत्रियों को, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे कैबिनेट हो, सभी इसमें उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल विजय, 2022 के चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक काफी अहम माना जा रहा, हो सकता है कि आगे की रणनीति भी यहाँ पर तय की जा सकती है, मंत्रियों को भी आगे कामकाज को लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम चीजों की तैयारियों को लेकर के पूरी बातचीत यहाँ पर हो सकती है। 2022 के चुनाव को लेकर के भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, आगे संगठन कैसे काम करेगा इस पर भी, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत चुनाव हाल ही में हुए थे उसमें जिला पंचायत अध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीते, इसको भी लेकर के यहाँ पर दिशा निर्देश या इस पर भी बातचीत हो सकती है।
बिल्कुल विजय, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे।